जिस हिसाब से ये मास्क पहनने का चलन चल रहा है ना, अगर ये परमानेंट हो गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी को तो ऐसा ही लगेगा कि नाक और मुंह भी प्राइवेट पार्ट है। ये लड़कियां पता नहीं इतनी टाइट जींस कैसे पहन लेती है। मैं पहनता हूँ तो उतारते वक्त कच्चा भी साथ में उतर जाता है। भाभी बस बहुत हुआ, अब मैं भैया को तुम्हारी सच्चाई बता के ही रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? तुमने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो सही। जब भी मैं मेरे किसी दोस्त से पूछता हूँ कि किससे बात कर रहा है तो बोलता तेरी भाभी से बात कर रहा हूँ। तुम अब आ रही हो? तुम पागल हो, मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना वायरस हो रहा है सबको, तुमको भी हो जाएगा। मेरे को नहीं होगा ये कोरोना वायरस। क्यों नहीं होगा? अबे जिसका रोज का उठना बैठना जहरीली नागिन के साथ हो उसका ये कीड़े मकोड़े क्या करेंगे। जी तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना, हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी। अबे लड़की काय 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 काय, अबे इतनी देर में आया वो तो चली भी गई है? और क्या, सुपरमैन की लौंडी आई क्या? ऐसी लगाया भैया, चलो उठो रे, पार्क में बैठना मना है। सर हम दोनों शादी शुदा है। तो घर पे बैठो ना। सर इसका पति नहीं मानेगा ना। क्या बात है भाई, आज तो जींस पहन रखी है। तो कल क्या पेटीकोट पहन रखा था? ओ मेरे राजा, अपनी तो स्टाइल यारा पस। कौन है? मम्मी है। मम्मी मम्मी ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कैसा लगा मम्मी? दिखने में तो अच्छा है। काम क्या करता है? इंजीनियर हूँ आंटी। अच्छा हुआ इस बार इंजीनियर पकड़ी, पिछली बार तो ड्राइवर के साथ भाग गई थी। ओए तेनू नहीं पता बाहर कर्फ्यू लगा तो कुर्सी डा के बैठा, चल ठाणे। मैं एक मिनट कुर्सी अंदर रख लवां। बाहर आ। मैं नहीं बाहर आना, बाहर कर्फ्यू लगा। कौन थी वो बताओ जरा कौन थी वो? अरे डर जा मेरी माँ, पहले मैंने सोचन दे उससे तेरे बारे में क्या कहूंगा। ये पटाखा कौन है? भाभी है तेरी। अच्छा इसकी कोई बहन है? नहीं। फ्रेंड तो होगी? सब कमिटेड है। मम्मी मजाक कर रहा हूँ पागल, मैं लौंडिया पटाऊंगा, साले हम सत लौंडे हैं। अरे बहू बिरयानी बना देना। ससुर जी नहीं आता। दाल चावल तो आता ही होगा, वो भी नहीं आता। अरे मम्मी डैडी रुको, बेबी तुमको जो बनाना आता है बना के लेके आ जाओ। ठीक है। थोड़ा फीलिंग आधा रख ले। सासू माँ आप सोडे के साथ लेना चाहोगे या पानी के साथ? सोडा। खाना बना दे, भूख लग रही है। तुमको एक बार बोल दिए ना नहीं बनाएंगे खाना, नहीं समझ आता? बहुत घटिया हरकत की हो पिछली बार हमसे खाना बनवा के, अगली बार खाने में जहर डाल देंगे, खाके सीधा ऊपर। आज मैंने शॉप वाले को उल्लू बनाया। क्या बनाया? रिचार्ज वाले से रिचार्ज कराया और नंबर गलत बताया। अरे जोकर भाई, जोकर भाई। हाँ भाई। भाई तुम तो वही हो ना जो टिकटॉक पे जोकर वाला फेस बनाते हो। हाँ भाई। भाई बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज एक बार बना दो यार। भाई ऐसे पब्लिक में नहीं बनाता ये। अरे मेरा फैन है यार, इसके लिए तो बनाना पड़ेगा भाई, प्लीज प्लीज। भाई ये सब तो ठीक है पर वो जोकर वाला फेस बनाओ ना। अरे तो ये क्या था भाई? ये तो सुअर वाला था। क्योंकि तेरा भाई मेरा साला है। यार एक बात बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? जी मैंने आपको छत से एक दो बार कपड़े धोते और बर्तन मांजते देखा था। सुनिए। हाँ मेरी एक बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलो ना। आपने पड़ोसन को लाइन मारना बंद कर दिया? नहीं। हाँ
हेलो। हाँ बेबी। बेबी मैं घर पर अकेली हूँ, आ जाओ। अभी तुम्हारे घर से तो निकला हूँ मैं जस्ट। ओह शिट, फिर से तुम्हें लग गया। सॉरी सॉरी, इग्नोर हाँ। मैडम, डिलीवरी। तुम भी बैठ जाओ खाने। नहीं मैम, वो मुझे आज के खाने से। अरे तुम्हें भूख लगी होगी, बैठ जाओ। नहीं वो क्या है ना, मैं डिलीवरी करने जाना होता है। अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, बैठ जाओ। मैडम आप फोन पे बात कर रहे हो ना, मैंने वो वीडियो देखा है। अरे ऐसे मैं फंसने नहीं वाला। देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, बैठ जाओ खाने। नहीं मैम, हम ऐसे नहीं खाना खा सकते, वो भी किसी कस्टमर के साथ। इतना सारा खाना मैंने किस लिए मंगवाया है? किसके लिए मंगवाया? अरे हम दोनों के लिए, बैठ जाओ। अरे मैम हम ऐसे नहीं खाना खा सकते यार। अरे अरे मैंने अभी कोई लड़का अवेलेबल नहीं है, मैंने किस वजह से बुलाया तुम्हें? आपने खाना मंगवाया था? लड़का लड़का? अरे पागल हो क्या? अरे मुझे नहीं खाना यार। नहीं, अरे नहीं 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 ऐसे, अरे ऐसे नहीं खा सकते मैं। नहीं मम्मी। एक्सक्यूज मी। यस। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ यार। अरे जाए यहाँ से। अरे बन जाओ यार प्लीज यार। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा जहर खा के ना मर जाऊं। लड़कियां होती ऐसी है, मर जाएंगी पर किसी गरीब का भला नहीं करेंगी। हेलो 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 हेलो। अबे कुत्ते क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है पता है? तेरी बहन बोल रही हूँ, गैस भराना जल्दी आ। ये राख पे। मम्मी एक माँ की नजर में उसके बेटे की कीमत कितनी होती है? लाखों की, करोड़ों की। तो लाओ लाखों करोड़ों में से मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे रिचार्ज करवाना है। बेटा कल तेरी शादी हुई है, जरा बहू के हाथ की चाय तो पिला। बेबी। हाँ। मम्मी के लिए जरा चाय बना दो ना। हाँ अभी बना के लाई। मैं देख के आता हूँ। अरे बेबी सासू माँ के लिए ऐसा पहली बार चाय बनाओ तो ऐसा कप में लेके नहीं जाते, तो ट्रे में लेके जाते। अच्छा ठीक है। सासू माँ चम्मच चाहिए या ऐसी चाट के पी लोगे? हेलो। हाँ बोला। कहाँ हो अभी? घरे बानी, लॉकडाउन में कहाँ जाए। अच्छा लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले क्या करोगी? तोरा के ब्लॉक। आपको पता पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस किसे मिलती हैं? नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो ना हैंड फ्री, ये जो इसका माइक है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस इसे ही मिलती है। मेरे बाबू ने थाना थाया। तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? जो बोलना है सीधा मुझसे बोला करो। अरे क्यों बोला करो, जब टीवी में कोई खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं। अजी तुम बोले नहीं मेरे को शादी से पहले 3 बीबी आए बोल के? शादी के रात कुछ बोला ना मैं तुम्हारे को? मल्लिका शहजादी रानी के जैसा रख तू तुम्हारे को बोल के। और मेरी जान कैसी है तू? क्या बात है आज बड़े उछल रहे हो। अबे आज से तो मैनेजर के साथ सोया करेगी। कहाँ है मैनेजर, वो स्मार्ट तो है ना। अरे कमीनी औरत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ बेवकूफ औरत। मगर कौन है तेरे? मेरी बहन पूरी गल करावा तेरी। कितने लगी भाभी? सोनी पर कल वाली जारी सोनी सी। अच्छा बेबी मेरे पे कौन सा गाना सूट करता है? एक कुत्ते, कभी देखा है तूने शीशे में खुद को अकस्सी खच्चर शक्ल से बंदर? बोलो ना। बेबी हो गया रेडी? बस मेकअप कर रही हूँ थोड़ा। तेरे को मेकअप की जरूरत ही नहीं है बेबी। तेरे को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है बेबी। हुँ? अगर मैं और ये पैसे इन दोनों में से एक को चूज करना होगा तो किसको चूज करोगे? पागलों जैसी बात कर रही हो यार तुम, इन पैसों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। कौन है तू? एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। जीजा जी। हाँ। 14 हो गए आपको अपने घर नहीं जाओगे? तो तुम्हारी दीदी तो मेरे घर में 6 महीना रहती हैं। वो तो वहाँ ब्याही गई हैं। तो मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? भाई साहब कल आंधी में मेरा कच्चा कहाँ उड़ के गया है, उसकी लोकेशन निकालिए।
है किसी में दम जो हमसे टक्कर ले सके बता दियो जी। यूपी में जाके देख तेरे जैसों की रोज भूतरी सी उतार देते हैं। अरे तू यहाँ की बात है? तू कहाँ जाऊँ? जा छत पे जाके बैठ। छत पे? पे पागल है क्या? छत पे इतनी धूप हो रही है, छत पे को जाऊँ मैं? इसीलिए तो बोल रही हूँ, तू घर बैठा बैठा मेरे से ज्यादा गोरा हो गया तो। मम्मी आज तो राजमा चावल बना लो। अरे मेरा लाल अभी बना रही हूँ, 5 मिनट रुक बस। मम्मी कड़ी चावल बना ले आज तो। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखे क्या? जानू कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? जो तुम बोलो। एक रिंग। बस इतनी सी बात? ठीक है दे दूंगा, लेकिन उठाना मत, बैलेंस कम है। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या? क्यों? क्या कमी है मुझ में? तुम दोनों के 36 में 36 गुण मिलते थे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। उनका कहना है कि मेरा बेटा तो जुआरी नशेड़ी बेवड़ा है ही, हम बहू भी वैसी नहीं ला सकते। ओह सॉरी 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 सॉरी। ये आप बार बार मुझे सॉरी मत बोला करो। क्यों जी? मेरा लड़ने का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या ड्रामा है भाई ये? 36 बार तुम्हें समझा दिया लॉकडाउन खत्म हो गया है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ऑफिस है ऑफिस। तू क्यों खाना बना रहा है? मेरी बीबी को आता ही नहीं। पापा मैं इससे प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा तू रूम में जा, मेरे को इससे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है पापा। निदा तुम्हारे डैडी मुझे 5 लाख रुपए देके मेरा प्यार खरीदना चाहते हैं। पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको क्या लगता है इसका प्यार बिकाऊ है? बेटा ये ऑफर तू ले ले। निदा कौन हो आप भाई? तू ना रोज प्रैक्टिस किया कर इसकी, तेरी इंग्लिश 1 नंबर की हो जाएगी। सच में? और क्या? लो जी डिनर कर लो। अरे ओ मंद बुद्धि औरत, डिनर रात के खाने को कहते हैं, ये लंच होता है। मंद बुद्धि होगा तू और तेरा खानदान, ये रात का ही खाना है, बचा हुआ था लेके आई हूँ अभी।